Hello, my dear students and friends, welcome back. So, it's a new video for you, and here I'm going to make that video on that word, and it's a verb also, and that is get. And how we use that get in different ways in English. तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज यूज्ड. तो सबसे पहले गेट इज अ वर्ब एंड वी हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर द गेट. लाइक जैसे गेट मींस फर्स्ट यूज ऑफ गेट इज इक्वल टू मींस आई एम राइटिंग द यूज ऑफ इट. तो गेट मींस फर्स्ट होता है पाना किसी चीज को. मीन्स गेन. गेट मीन्स गेन मीन्स पाना हिंदी में जिसको हम किसी चीज को पाते हैं. तो जैसे जस्ट आई गिव यू हियर एन एग्जांपल. आई गेट रुपीस एक्स 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 एज माय सैलरी. Every month. So, ye ek sentence hua. It's a sentence. I get means I gain, obtain, pata hoon. So, this is the meaning of get. Pata hoon. Ek hota get means bring. Koi cheez ko hum laate hain kahin se. Bring. So, jaise suppose I give you here an example like get me, or you can say get me a glass of water please. तो ये हम बोल सकते हैं. Get me a glass of water मतलब मेरे लिए एक glass पानी ले आओ. और get means होता reach. तो गेट का मतलब था पहुंचना कहीं पे या जाना. पहुंचना या जाना. तो जैसे अगर मैं बोलूं सपोज आई आस्क यू सम हाउ कैन आई गेट टू द रेलवे स्टेशन. हाउ कैन आई गेट टू द रेलवे स्टेशन. तो ये हम कि मैं स्टेशन कैसे पहुंच सकता हूं. तो ये गेट के मैंने यूज आपको बताया. ठीक है. जब डिफरेंट वर्ब्स की तरह इसको हम यूज करते हैं. एक हम आते हैं गेट के साथ हम वी थ्री यूज कर लेते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. कैसे चेंज होता है वो हम डिस्कस करते हैं. तो जैसे आपने देखा है जैसे अगर मैं एक वर्ड बोलूं डिस्टर्ब. ये एक वर्ब है. तो डिस्टर्ब का मतलब होता है किसी को डिस्टर्ब करना, व्यवधान पैदा करना. डिस्टर्ब. तो जैसे सिंपली अगर डिस्टर्ब यूज करते हैं आप तो सेंटेंस में आप बोलते हैं प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी. डोंट डिस्टर्ब मी. लेकिन अगर मैं आप जैसे ये तो कि मुझे डिस्टर्ब मत करो. लेकिन अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ आप डिस्टर्ब मत होइए, अपना काम करिए पेशेंस के साथ, है ना. तो प्लीज डू योर वर्क पेशेंटली. तो इसमें हम क्या यूज करेंगे प्लीज डू योर वर्क पेशेंटली. आप आराम से धैर्य से अपना काम करिए. प्लीज डू योर वर्क पेशेंटली. तो अब यहाँ पे डिस्टर्ब मुझे मत करिए था. अब आप मत होइए. तो होने के लिए
आपको गेट प्लस वी थ्री यूज करना होता है, या बी प्लस वी थ्री भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक बी प्लस वी थ्री भी कर सकते हैं। तो जैसे प्लीज डू योर वर्क पेशेंटली, डोंट गेट डिस्टर्ब, तो ये इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, एक बार और मैं आपको बताता हूं, जैसे डिसअपॉइंट, तो निराश होना एक होता है निराश करना, तो यू हैव डिसअपॉइंटेड मी, तुमने मुझे निराश किया है। यू लाइक जैसे यू हैव डिस्टर्ब्ड मी, यू हैव डिसअपॉइंटेड मी, लेकिन आपको आप निराश मत होइए। अब होना करना तो वर्ब है ऑलरेडी, होना के लिए फिर हमको गेट प्लस वी थ्री से ही बनाए। तो यू जैसे आप निराश नहीं होइए, या आपको निराश नहीं होना चाहिए, तो यू शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। तो ये इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अभी एक यूज और गेट का करते हैं, तो ये नेक्स्ट यूज गेट का हम करेंगे यहां पे, तो ये जैसे कोई काम हम किसी से करवाते हैं तो हम गेट का यूज करते हैं वहां पे। जैसे कोई काम करवाना, जैसे मैं नाई से अपने बाल कटवाता हूँ, ठीक है, तो मैं कटवाता हूँ। या और एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं अपनी कार सही करवाता हूँ, ठीक है, या मैं अपनी कार की सर्विस हर 3 महीने में करवाता हूँ, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो आई गेट माय कार, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, पहले मैं सेंटेंस लिख देता हूँ उसके बाद आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा। I get my car serviced every 3rd month कर लेते, ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में यहां पे लिख रहा हूं, तो इसमें सब्जेक्ट हम पहले लिखते ही, फिर हम हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू अवर टेंस प्लस गेट बी चेंज अकॉर्डिंग टू अवर टेंस प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस 3rd form ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अगर यही सेंटेंस होता पास्ट में तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा मैंने कल अपने जूते सही करवाए, या कल मैंने अपने खून की जांच करवाई, तो किसी से काम करवाना, तो मैंने अपने खून की जांच करवाई, ठीक है, कल। तो अब ये चूंकि पास्ट में आई गॉट, अब क्या नाउन प्रोनाउन माय ब्लड, आई गॉट माय ब्लड 3rd form ऑफ द वर्ब, कब कराई यस्टरडे, ये सेंटेंस हो गया आई गॉट माई ब्लड टेस्टेड यस्टरडे, जाओ और अपने बाल कटवा के आओ, ठीक है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, गो एंड गेट योर हेयर कट, ठीक है।
जाओ अपने बाल कटवा कर आओ। तो ये कुछ मेरे को लगा आपको बताना चाहिए। यूज ऑफ गेट, आई हैव मेड दैट वीडियो एंड आई होप यू माइट हैव लर्न समथिंग बाय वॉचिंग दैट वीडियो। एंड प्लीज लाइक दैट वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू वॉच माई न्यू वीडियोज। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर, I have already given my email ID and Skype ID here in that video and below that video. So if you think you want to have my personal guidance to improve your English or to improve your writing, speaking, or you want to prepare yourself for any kind of interview or for any kind of test like IELTS, you may contact me. And you may talk to me later. We'll decide if you want to continue. I'll customize a course for you. And for your information, I have been teaching English for the last 10 years online. Otherwise, I have been a teacher for the last 25 years, and I have taught many students from different countries. So if you think, you may contact me and definitely I'll try my best to help you. Thanks for watching that video. Thank you.